Hello everyone, welcome to study panel. This is Devendra Sijala from Kendriya Vidyalaya Rajkot. In today's video, we shall start the second part of fractions for graded worksheet. Now, dear students, if you have not watched the part 1, by clicking on the link over here, you can watch the part 1. Now, let us move on to the questions directly. The first one, pick the correct option. Which fraction can we use to represent the following figure? अब यहाँ पर हमें एक फिगर दिया हुआ है और यहाँ हमें चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो इन चारों में से हमें देखना है कि कौन सा हमारा जो ऑप्शन है वो सही है। तो सबसे पहले तो इस फिगर को हम लोग रीड आउट करने की कोशिश करते हैं। अगर यहाँ देखा जाए तो पहले तो कितने पार्ट्स बने हुए हैं फिगर के, ये जानना बहुत जरूरी है। तो पहले देख लेते, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अगर आपको याद हो तो हमने पिछले वीडियो में देखा था, जो टोटल पार्ट्स होते हैं उसको हम डिनोमिनेटर यानी नीचे की साइड लिखते हैं, और जितना शेडेड पोर्शन है, शेडेड पोर्शन मतलब ये जो पिंक वाला पोर्शन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, तो 7 जो है उसको हम ऊपर लिखेंगे, तो हमारा करेक्ट आंसर जो होगा 7/10, दैट इज ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन, विच फ्रैक्शन कैन बी यूज टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग फिगर। यहां पर भी हम लोग सेम चीज यूज करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल विल काउंट द टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स इन द फिगर, दैट इज 1, 2, 3, 4, अगेन 1, 2, 4 2 हो गया हमारे पास 8, सो 8 को हम लिखेंगे डिनोमिनेटर में लिखेंगे। अब उसमें भी अगर हम लोग देखें कि शेडेड पोर्शन कितना है, तो 1, 2, 3, 4 एंड 5, ये जो है शेडेड पोर्शन है, सो 5/8 इज द करेक्ट आंसर, अगेन 2 इज द राइट आंसर। ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन, विच फिगर शोज फ्रैक्शन 5/6, यानी टोटल पार्ट सब में 6 होने चाहिए और उसमें से जो है 5 पार्ट्स जो है वो शेडेड होना चाहिए, वही फिगर को हमें जो है टिक मार्क करना है। तो सबसे पहले इसको काउंट करते हैं, क्या इसमें 6 है क्या, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यस 6 तो हो गए, चलो तो यहां लिखेंगे 6। क्या 5 पार्ट शेडेड है, 1, 2, 3, 4, सो 4 है, 4/6 हो रहा है हमारा आंसर, जो कि रॉन्ग है। हमें क्या चाहिए, 5/6 होना चाहिए, यानी आउट ऑफ 6 5 पार्ट्स शुड बी शेडेड। यहां पर देखते हैं अगेन, 1, 2, 3, 4, 5, 6 टोटल पार्ट, तो चलो 6 हो गए। क्या 5 पार्ट शेडेड है, 1, 2, 3, 4, 5, यस, सो दिस इज करेक्ट आंसर। लेट अस मूव ऑन टू द थर्ड फिगर, यहां पर भी देख लेते हैं, दिस फिगर इज डिवाइडेड इनटू 6 इक्वल पार्ट्स, सो वी विल राइट 6, और शेडेड पार्ट हम देख सकते हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5, सो 5/6, अगेन दिस इज राइट आंसर। तो ये जो सी में है हमारे, ये 2 एंड 3 जो है वो करेक्ट आंसर है, तो हम उसको टिक लगाएंगे। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, थिंक एंड एक्ट। ए, सर्कल द ऑप्शंस व्हिच हैव 2/3 ऑफ द होल शेडेड, यानी यहां पर हमें देखना है कि आउट ऑफ 3 2 पार्ट शुड बी शेडेड, ये होना चाहिए। तो यहां पर हम देख सकते हैं एक सर्कल है जिसको 1, 2, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, तो यहां लिखेंगे हम 3, और कितने पार्ट शेडेड है, तो देखा जाए तो तीनों पार्ट शेडेड है, सो इसको कट कर सकते हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1, सो पूरा होल सर्कल शेडेड है, सो ये टिक होगा नहीं, सो ये 2/3 है नहीं, ये क्या है, 3/3 पार्ट है। यहां पर देखते हैं, यहां पर बहुत सारे बच्चे क्या है कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर यहाँ 2/3 शेडेड है, एक्चुअली ये 2/3 नहीं है। अगर होल स्क्वायर की बात करें यहाँ पर हम, तो होल स्क्वायर इज डिवाइडेड इंटू 2 इक्वल पार्ट, दिस इज फर्स्ट पार्ट एंड दिस 2, 1 एंड 2, ये दोनों मिला के हमारा पूरा हाफ हो रहा है, तो ये सर्कल, ये स्क्वायर जो है, ये हाफ पार्ट इसका शेडेड है, तो यहां पर हम जो है इसको 2/3 नहीं कह सकते, क्योंकि द होल स्क्वायर इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। अगर यहां से ऐसे कर देंगे तो ये 4 इक्वल पार्ट्स जरूर हो गया, लेकिन आउट ऑफ 4 देखा जाए तो कितने शेडेड है, 2 पार्ट्स तो शेडेड है, तो अगर हम इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर जाते हैं तो हमारा आंसर हो जाएगा 2 1 2 एंड 2 2 4, अगेन ये 2 2 कट हो जाएगा, तो टोटल शेडेड पोर्शन हमारा कितना रह गया, हाफ ही रह जाएगा, सो ये भी जो है 2/3 नहीं हो रहा है, तो हमारा ये भी करेक्ट आंसर है नहीं। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट फिगर, ये वाला देखते हैं हम।
यहाँ पर देख सकते हैं एक स्टार बनाया हुआ है और ये स्टार इक्वली थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड है। सो तीन तो नीचे हो गया, अब शेडेड पोर्शन वन एंड टू है, सो टू थर्ड ये परफेक्ट हो रहा है। सो हम इसको टिक लगाएंगे। यहां पर हम देख सकते हैं नीडल्स बनाई हुए है तीन, उसमें से भी देखा जाए टोटल थ्री नीडल्स है, आउट ऑफ थ्री टू आर शेडेड, सो दिस इज अगेन करेक्ट आंसर। सो हमारा सी और डी जो है वो परफेक्टली टू टू थर्ड को रिप्रेजेंट करता है। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्कल द ऑप्शंस विच हैव थ्री फिफ्थ ऑफ द होल शेडेड। अब यहां पर हमें समझने की जरूरत है, थ्री फिफ्थ यानी टोटल तो पांच पार्ट सब में होने चाहिए है ना। अगर पांच पार्ट है और उसमें से भी अगर तीन पार्ट शेडेड है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सही माना जाएगा। तो यहां पर देख लेते हैं पहले, वन टू थ्री फोर फाइव, चलो फाइव पार्ट तो है, कितने पार्ट शेडेड है, वन टू, सो ये हमारा सही नहीं हो रहा, ये हो गया टू फिफ्थ है, सो ये नहीं होगा सही, तो इसको टिक नहीं लगाएंगे हम या सर्कल नहीं करेंगे। सेकेंड वाला ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। कैसे देखते हैं, टोटल पार्ट्स कितने हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन एंड टेन। तो टोटल पार्ट जो होते हैं उसको हम लोग लिखते हैं डिनोमिनेटर में, और शेडेड पोर्शन कितना है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। अब यहां पर ज्यादातर बच्चे ये सोचते हैं कि सर ये तो थ्री फिफ्थ नहीं है, एक्चुअल में ये थ्री फिफ्थ है, कैसे इसको थ्री फिफ्थ हम कर सकते हैं। अगर हम इसको जो है सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके जाए तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, थ्री टू जा सिक्स एंड फाइव टू जा टेन। तो अगर ये टू टू कॉमन हो गया तो उसको कट करेंगे, अब हमारे पास क्या बचता है, थ्री अपॉन फाइव, तो ये पोर्शन जो है थ्री फिफ्थ ही है। इसको हम आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के नाम से। आपको क्या करना है कि उसका जो शॉर्टेस्ट फॉर्म होता है वहां तक उसको लेके जाना है। अब इससे छोटा फॉर्म हम लोग या इससे शॉर्ट फॉर्म हम इसको नहीं बना सकते क्योंकि दोनों प्राइम नंबर्स हो जाते हैं, है ना। तो ये जो है हमारा सही आंसर होगा, इसको हम लिखेंगे थ्री फिफ्थ ही लिख सकते हैं। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द थर्ड वन सी। यहां पर हम देख सकते हैं पहले तो ये इक्वली डिवाइडेड ही नहीं है, फिर भी चलो हम इसको मान के चलते हैं कि इक्वली डिवाइडेड है। टोटल पार्ट्स वन टू थ्री फोर फाइव, वन टू थ्री फोर फाइव, चलो फाइव तो हो गया। शेडेड कितना है, टू है, हमें कितना चाहिए, थ्री अपॉन फाइव चाहिए। सो ये आंसर क्या हो गया हमारा, रॉन्ग है, सो इसको सर्कल नहीं करेंगे हम। लास्ट वाला देख सकते हैं हम लोग, यहाँ पर टोटल वन टू थ्री फोर फाइव ट्राइंगल्स है, तो हम नीचे लिख देंगे फाइव और शेडेड पोर्शन कितना है, वन टू थ्री, सो थ्री अपॉन फाइव, सो ये हमारा आंसर जो है वो सही, थ्री फिफ्थ। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्कल द ऑप्शन विच हैव हाफ ऑफ द होल शेडेड। अब यहां पर हमें उसको सर्कल करना है जिसका होल पार्ट की कंपेरिजन में उसका हाफ पार्ट जो है वो क्या होना चाहिए, शेडेड होना चाहिए। चलो देखते हैं, सबसे पहले ये स्टार ले लेते हैं, वन टू थ्री फोर इक्वल पार्ट में डिवाइड हुआ है, ये कितना शेडेड है, तो टू शेडेड है। एक्चुअली अगर यहीं से हम लोग देखें तो ये स्टार को एक्सैक्टली हाफ कट कर रहा है, तो हाफ तो हो ही रहा है, तो हम उस हिसाब से भी इसको ठीक कर सकते हैं। दूसरा ये क्या हो गया हमारा, टू अपॉन फोर, तो हाफ होने का मतलब क्या है कि वन अपॉन टू आना चाहिए, लेकिन वन अपॉन टू ये नहीं हो रहा है, लेकिन हो जाएगा। कैसे, अगर इसको शॉर्टेस्ट फॉर्म में हम कन्वर्ट करते हैं, टू वन जा टू एंड टू टू जा फोर, तो यहाँ पर टू टू कट हो जाएगा और हमारे पास क्या बच गया, वन अपॉन टू। वन अपॉन टू क्या होता है, हाफ होता है, और टू अपॉन फोर भी क्या होता है, वो भी हाफ ही होता है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बी। यहां पर हम काउंट करेंगे टोटल सर्कल्स, वन टू थ्री फोर, अगेन वन टू थ्री फोर, फोर ये वाला लास्ट डिजिट और ये वाला लास्ट डिजिट दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल स्क्वायर हमें मिलेंगे, सो फोर फोर जा सिक्सटीन स्क्वायर हो गए। सो जो भी टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर सर्कल्स रहते हैं वो हम जो है डिनोमिनेटर में लिखेंगे 16, और अब काउंट करते हैं कि कितना पार्ट जो है शेडेड है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, यहां पर देखा जाए तो ये हो गया सिक्स। तो आउट ऑफ 16 जो है सिक्स पार्ट जो है वो शेडेड है। अगर इसको हम शॉर्टेस्ट फॉर्म में करते हैं कन्वर्ट तो क्या हो जाएगा, थ्री टू जा सिक्स एंड एट टू जा सिक्स,
16, अगेन 2 2 कॉमन हो गया तो उसको कट करेंगे, बचा क्या हमारे पास 3 अपॉन 8 यानी 3 8, 3 8 जो है वो हाफ होता है नहीं, सो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, तो इसको इनकरेक्ट करेंगे। अब यहां पर चलेंगे सी पे, सी पर अगर देखा जाए तो आप देख सकते हो ट्राइंगल है, पहले तो इसको इक्वली डिवाइडेड ही नहीं है, अगर इस ट्राइंगल को हाफ करना है तो हमें यहां से काटना पड़ेगा, अगर यहां से काटेंगे एग्जैक्टली तभी ये हमारा हाफ होगा, तो ये तो हाफ है ही नहीं, तो इसको हम लोग क्रॉस कर देंगे। अब ये वाला फिगर थोड़ा कंफ्यूजिंग है, यहां पर हम देख सकते हैं सबसे पहले तो क्या करेंगे, जो व्हाइट वाले हैं उनको काउंट कर लेते हैं, सबको ही काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, यानी टोटल पार्ट्स हमारे पास कितने हो गए, 10 हो गए। अब 10 में से शेडेड कितने हैं, तो यहां से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 एंड 5, सर ये तो 5/10 हो गया, तो ये तो कैसे हाफ हो सकता है, हाँ ये हाफ हो सकता है कैसे, अगर इसको शॉर्टेस्ट फॉर्म में हम लेके जाएंगे तो 5 1 5 एंड 5 2 10, ये हो गया कट दोनों, हमने क्या किया 5 1 5 लिख दिया और 5 2 10 हम इस तरह से लिख सकते हैं, बस क्या गया हमारे पास हाफ पार्ट बच गया है, यानी हर दो पे एक पार्ट जो है शेडेड, अगर ये दोनों काउंट करके चलते हैं तो उनमें से एक पार्ट क्या है शेडेड है, इन दोनों को काउंट करके चलते हैं तो एक पार्ट क्या हो गया शेडेड हो गया, वैसे सब में ये चीज लागू होती है। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन, राइट द फ्रैक्शंस फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स, अब यहां पर हमें वर्ड्स में दिया है उसका हमें फ्रैक्शन लिखना है, ये बहुत सिंपल है, 2 6 जो पहले वाला नंबर दिया है उसको ऊपर लिखना है और न्यूमरेटर में लिखना है, और जो 6 दिया है उसको डिनोमिनेटर में लिखना है, सो 2/6, 8 9, 8/9, दिस इज 2 10, सो 2/10, दिस इज 10 15, 10/15, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं पता है, जैसे ये फिल इन द ब्लैंक्स दिया ना तो 2 यहाँ लिख देंगे 6 यहाँ, नहीं आपको यहाँ लाइन भी खींचना है ना, ऐसा जरूरी नहीं है कि यहाँ सर ये लाइन आ गया तो लाइन, फिर भी आपको लाइन यहाँ पर खींचना ही है, 8/9। नेक्स्ट क्वेश्चन, महेश हैड 24 रुपीज, शी नहीं आएगा यहाँ पर ही आएगा, ही स्पेंट 1/4 ऑफ इट, हाउ मच मनी डज ही हैव लेफ्ट, देखो ये क्वेश्चन को अगर ध्यान से समझेंगे तो सबसे पहली बात महेश के पास कितने रुपीज है, 24 रुपीज है, उसमें से महेश ने खर्च कितने किए, 1/4 रुपीज खर्च किए हैं, और हाउ मच मनी डज ही लेफ्ट, उसके पास कितने पैसे बच गए, तो सबसे पहले सो 1/4 ऑफ 24, तो 1/4 ऑफ 24 का मतलब क्या होता है, यही होता है जहां भी ऑफ का साइन आता है ना, हमें आंख बंद करके बीच में मल्टीप्लीकेशन रख देना है, 1/4 ऑफ 24, इसके नीचे कुछ भी नहीं, अगर ये फ्रैक्शन है तो इसको भी फ्रैक्शन बनाने के हम इसके नीचे 1 कर देंगे, अब दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 into 24 upon 4 into 1, और अगर इसको आगे बढ़ाएंगे 24 1 24 and 4 1 4, अगर इसको हम डिवाइड करते हैं तो हमें आंसर मिल जाएगा क्या, 4 6 24, सो ये हो गया 0 0, सो टोटल रुपीज अगर महेश ने खर्च किए तो वो कितने हो गए, ये हो गए उसका आंसर। अब हमें तो ये सेकंड वाला आंसर फाइंड आउट करना है कि हाउ मच मनी डज ही हैव लेफ्ट, उसके पास कितने बच गए हैं, तो ये तो हो गया पार्ट वन हो गया, सो टोटल अगर हमें फाइंड आउट करना है सो लेफ्ट मनी इज इक्वल टू टोटल मनी माइनस स्पेंट, यानी जितना उसने स्पेंट किया है, तो टोटल मनी कितना था हमें देखिए, टोटल मनी 24 रुपीज थे, माइनस कितना स्पेंट किया उसने तो वो देखा जाए तो 6 रुपीज स्पेंट किया, अगर इन दोनों का माइनस करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 18 रुपीज, सो महेश के पास कितने बच गए, 18 रुपीज बच गए है, 1/4 जब उसने खर्च किया तब उसके कितने बच गए, 18 रुपीज बच गए है। आई होप ये वीडियो आपको जो है अच्छे से समझ में आया होगा, थैंक यू।